ऐसे बैठा लो, पहले आग गोला कर लूं क्या? डालने से हाँ भागवत जी सुनो, ये कपड़ा को दो टुकड़ा करो, थोड़ा पानी हिला दो उधर कोने में, बहुत कचरा आ गया, अभी कुछ नहीं कर सकते उसको। बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, डालना बेटा तू प्लीज, लेने के बाद ये सब करके चलो तो पानी डाल दो। अबे जिप्पो से जला, अकलमंद नहीं जलेगा, कल तक जलाता रहेगा तू, जिप्पो से जला। चलो 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 ऑर्डर उम्र 28 साल, कद 5 फुट 11 इंच, मौत की वजह कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कुछ नहीं, मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कातिल खुद इसका बाप। शुरू से ये तुम क्या कर रहे हो? उम्र 28 साल, कद 5 फुट 11 इंच, मौत की वजह कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, खुद इसका बाप।
सॉरी ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा दो भाई एक पैसा बंद लगाना भाई मैं घात ले ऑर्डर खुद इसका बाप आके आके तुम क्या कर रहे हो संभालो अपने आप को आके कौन क्या भी क्या कर रहे हो मुझे छोड़कर जा रहे हो अपनी मधु को छोड़कर जा रहे हो तुम झूठे सोचना भी ये कितनों बच्चों ना बचा भाई मधु से चली रही सुना तुमने संभालो अपने आप को प्लीज होश में आओ कि मैं कुछ देर पहले ही मर चुका हूं मैं हाँ सर ओके सबसे पहले तो ये बताइए कि आज मौसम में ऑलरेडी इतनी तेज बारिश हो रही है ऊपर से आपकी लाइफ में एक अलग सा तूफान मचा हुआ है क्या कहेंगे हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान ये कि हमारे पास कल का टेलीकास्ट नहीं है तो जो नॉन बारिश वाला सीन था वो अब हम बारिश में शूट कर रहे हैं बिकॉज हमें शूट करना है और तूफान ये तूफान क्या आया है दैट आरके को सच्चाई पता चल गई है उसके पिता की तो वो थोड़ा पागल हो गया है और मैं उसे संभालने की कोशिश कर रही हूँ वैसे आरके अक्सर कुछ ना कुछ ना अपने गुस्से में ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बाद मधुबाला को काफ़ी दिक्कत हो जाती है उन्हें समझाने की इस बार कितनी मुश्किल हो रही है आप नेक्स्ट वीक जब आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मुझे आगे का स्टोरी पता नहीं I love the season. I love going to Lonavala. I love traveling, but of course I can't go this year. So yes, I'm here shooting. And जब टीम आपकी बहुत अच्छी काबिल हो और मतलब वो अच्छे सीन आपके साथ शूट करे फटाफट immediately, तो you think कि सीन और ज़्यादा अच्छा हो जाता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं आई मीन आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड टीम एंड अ वेरी ग्रेट टीम एंड दे आर डूइंग द बेस्ट दे कैन इट्स जैसा रेंज होता है तो उनको भी दिक्कत हो जाती है सब सेटअप करने में बट आई थिंक वी आर गोइंग ऑन वेरी नाइसली एंड व्हाट काइंड ऑफ फूड यू लाइक इन द मॉनसून वड़ा पाव एंड चाय ओके जिस लोकेशन पे आप शूट कर रहे हैं अगर आप लोकेशन देखा जाए तो काफी रोमांटिक है तो आपको लगता है इस जगह पे कोई रोमांटिक सीन शूट किया जा सकता था वो भी हम कर चुके हैं हम यहाँ पे सारे टाइप के सीन्स करते तो अभी लगा बहुत टाइम से रोमांटिक सीन हो गया तो अभी थोड़ा क्राइंग वाला सीन कर देते हैं दैट्स व्हाई वी चोज दिस प्लेस टू डू द क्राइंग सीन छाता थोड़ा उल्टा रखो तो पानी पीछे जाएगा कैमरे सामने पानी लाने मत दो रेडी जैसा काम नहीं हट जाओ नहीं ये बराबर है वो बराबर नहीं है दोनों कैमरे के लेफ्ट से निकल जाओ सब लोग रेडी कपड़े सुखाओ दो भाई कपड़े सुखाओ जल्दी आओ इससे पहले कॉलेज आग लगाया आ जाए भाई फटाफट कपड़ा जल्दी प्रेस कर फटाफट आ जा भाई जाके आ जा